7.6 उदकों की संरचना व कार्य में संबंध रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू कोशिका उतक अंग अंग तंत्र इस प्रकार यह संरचनात्मक संगठन समय के साथ घटित हुआ है। इस प्रक्रिया में पहले एक कोशिकीय संरचनाएं अस्तित्व में आई, इनसे बहुकोशिकीय समुदायों का विकास लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की संरचना और कार्यों में भी परिवर्तन आया। यदि हम पौधों के जलीय से स्थलीय बनने की प्रक्रिया को देखें तो हम कोशिकाओं की संरचना और कार्यों के बीच के संबंध को समझ पाएंगे। जब पौधे जलीय जीवन को छोड़ स्थलीय वातावरण में आए तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध थी, परंतु इनके सामने अपने आप को सूखने से बचाने की चुनौती भी थी। यदि हम जलीय और स्थलीय पौधों की जड़ तना और पत्ती की आंतरिक संरचना का चित्र भी देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थलीय वातावरण में आने पर मिट्टी में स्थित जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी का संवहन कैसे हुआ होगा। जड़ें शाखित हुई जिसमें वे अधिक से अधिक पानी का अवशोषण कर पाई, साथ ही नलिका रूपी संरचनाएं भी विकसित हुई जिस कारण अवशोषित पानी और खनिज लवण पौधों में अन्य भागों तक पहुंच पाया। इस नली रूपी संरचना को आप क्रियाकलाप एक के चित्रों में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार जलीय वातावरण से स्थलीय वातावरण में आने पर जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्यों में आए बदलावों को भी समझा जा सकता है। जलीय जंतुओं में शरीर की सतह के द्वारा श्वसन के लिए हवा का आदान प्रदान होता है। स्थलीय वातावरण में आने पर जंतुओं के शरीर की सतह हवा के संपर्क में आने पर सूखने लगी, फलस्वरूप स्थलीय जंतुओं में कोशिकाएं ऐसे नमीयुक्त समूहों में व्यवस्थित हुई जिसमें अधिकाधिक हवा ग्रहण करने की क्षमता थी। आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ फेफड़ों की बात कर रहे हैं। फेफड़ों की सतह बहुस्तरीय और वलयित होती है। इनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे हवा के संग्रहण और आदान प्रदान में सुविधा होती है। प्रमुख शब्द कीवर्ड्स उतक टिश्यू श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर त्वचीय उतक डर्मल टिश्यू भरण उतक ग्राउंड टिश्यू संवहन उतक वास्कुलर टिश्यू जाइलम जाइलम फ्लोएम फ्लोएम तंत्रिका उतक नर्वस टिश्यू संयोजी उतक कनेक्टिव टिश्यू पेशीय उतक मस्कुलर टिश्यू। हमने सीखा उतक कोशिकाओं के समूह और उनके बाहरी वातावरण द्रव का सम्मिलित रूप होते हैं जो एक या एक से अधिक कार्य करते हैं। एक उतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। विभाजन व विभेदीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप समान कोशिकाओं के समूह अलग अलग प्रकार के उतकों में विभेदित हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के उतकों में कार्यों के बंटवारे की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहते हैं। अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने जंतु और पादप उतकों में समानता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया। विभाजन करने की क्षमता के आधार पर पौधों के उतकों को दो समूहों में रखा गया है, प्रविभाजी उतक एवं स्थायी उतक। परंतु स्थायी उतक जैसे पेरेन्काइमा कॉलेनकाइमा में भी विभाजन करने की क्षमता होती है।
जंतुओं के ऊतकों को उनके आकार एवं कार्य के आधार पर चार समूहों में रखा गया है, त्वचीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ऊतकों के संरचना और कार्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।